गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू अदर ब्लॉग। और गाइज अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे घड़ी में आप देख रहे हैं 5 बजने वाले हैं और इस फिलहाल मैं पहुंचा हूं स्टार मॉल, जो आप पीछे देख रहे हैं ये स्टार मॉल है। तो आज हम लोग स्टार मॉल घूमेंगे और देखेंगे किस तरह का है ये मॉल। मैं आपको बता दूं कि ये मध्यमग्राम चौमाथा से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है स्टार मॉल। तो अभी हम लोग चलेंगे स्टार मॉल के अंदर और देखते हैं कि मॉल कैसा है, क्या बिल्कुल स्टार की तरह है। हालांकि बाहर से तो इंटायर लुक काफ़ी डिसेंट लग रहा है इस मॉल का। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का ब्लॉग, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्टार मॉल का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप टोटो वगैरह से भी आ सकते हैं, ऑटो भी आपको यहाँ के लिए मिल जाएगी और बसेस भी आपको मिल जाएगी इस रूट से। तो सब गाड़ी यहाँ पे आपको, अगर बस वाले से भी बोलेंगे कि हमको स्टार मॉल जाना है, मध्यमग्राम का जो स्टार मॉल है इस साइड जो भी बस आती है वो आपको यहाँ पे उतार देगी। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं बारिश भी तेज़ हो गई है। और यहाँ पे ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है ये स्टार मॉल का पार्किंग जोन है, इधर आप ला के गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं STAR स्टार MALL, ये जो बड़े बड़े फॉन्ट में लिखे हुए ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। यहाँ पे आप बस स्टैंड देख सकते हैं, शिशिर कुंज बस स्टैंड यहाँ पे स्टार मॉल के जस्ट बगल में ही है। फिलहाल यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे इस साइड में और मैं आपको दिखा दूँ कि इस साइड में आप देख सकते हैं SBI के ATM भी मिल जाएगा यहाँ पे। और इधर कुछ होटल वगैरह भी हैं, आप देख सकते हैं कुछ ATM और भी आगे मिल जाएंगे आपको। और सामने देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये टोटो स्टैंड भी है, तो यहाँ से गाड़ी भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्यूचर स्टेयर्स, आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन एग्जाम सेंटर भी है और यहीं पे पड़ता है स्टार मॉल के ठीक जस्ट अपोजिट साइड में है। आप यहाँ पे ऑटो वगैरह देख सकते हैं, सब ऑटो वगैरह भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 238 यहाँ पे देख सकते हैं बस जा रही है, 238। और फिलहाल यहाँ से ये है एंट्री और इधर है एग्ज़िट। तो हम लोग एंट्री करेंगे, इधर जाते हैं गेट खुल जाएगी और उसके बाद एंट्री कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हुई ओपन, यहाँ से इस तरह से ओपन हो जाएगी, आगे सिक्योरिटी चेकअप होगा, उसके बाद फिर आप अंदर जा सकते हैं, इस मॉल के अंदर इन कर जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार मॉल इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑल राइट्स आर रिजर्व टू रितु धन सप्लायर्स PVT LTD। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने में बॉक्स ऑफिस भी मिल जाएगा और यदि आप मूवी वगैरह देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके टिकट कटा सकते हैं। हालाँकि ऊपर में भी आप टिकट कटा सकते हैं और बाहर से भी आप यहां से टिकट ले सकते हैं मूवी देखने के लिए। तो फिलहाल यहां पर देख सकते हैं भूत बंगला भी आपको मिल जाएगा और ये इंटायर लुक है, काफ़ी खूबसूरत है। यहां पर आप देख सकते हैं लिफ्ट की भी सर्विस यहां पे है और यहां पे आप एस्केलेटर सीढ़ी का भी यूज करके जा सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे स्पेंसर्स में आप जा सकते हैं, अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो मॉल का मैं टाइमिंग आपको बता दूँ, ये सुबह 8 बजे खुल जाता है और 8 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। ऑफर्स वगैरह भी बहुत चल रहे हैं। सीधा चलते हैं एस्केलेटर सीढ़ी से ऊपर, ऊपर की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल ये ऊपर का कुछ लुक आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये फर्स्ट फ्लोर का आप लुक देख सकते हैं और ये कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ से फर्स्ट फ्लोर, और बाहर का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये नीचे का अभी लुक आप देख सकते हैं, स्टेटर सीढ़ी से बहुत लोग नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर आप लिफ्ट, एस्केलेटर, शॉपिंग, पैंटलून, वॉशरूम के लिए इधर से जा सकते हैं, शैडो एंड नेल के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ से देखिए ऊपर का लुक इस मॉल का कितना डिसेंट लग रहा है। और इधर से मैं आपको यहाँ पर ये सब दिखा दे रहा हूँ, देखिए कितना आकर्षक लग रहा है ये सब। गाइस फाइनली अभी हम लोग आए सेकंड फ्लोर पे, अभी हम आए हुए हैं और यहाँ पे मैं आपको सेकंड फ्लोर का व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कुछ सेकंड फ्लोर पर इस तरह से दिखता है। और मैं आपको बता दूँ कि आप अगर हॉरर हाउस यानी भूत बंगला की तरफ जाना चाहते हैं तो फिलहाल उस साइड से आप जा सकते हैं, दैट इज़ द वे ऑफ भूत बंगला। बंगला के लिए गाइस इस साइड से आपको इधर जाना होगा, तो यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न मिल जाएंगे
और ये आप देख सकते हैं हॉरर हाउस यानी भूत बंगला, 100 रुपये टिकट है भूत बंगला का। यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, इस साइड आने पे, साइड में आने पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों का टॉयलेट, और यहाँ से आरओ का पानी भी मिल जाएगा, आप आरओ का पानी भी यहाँ से पी सकते हैं। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए, यदि आपको स्पा वगैरह कराना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए रॉयल स्पा, और इस साइड आप वेनिस स्पा देख सकते हैं, यानी दोनों पास में ही हैं। और ये सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएंगे भूत बंगला से थोड़ा सा आगे आने पे, और यहाँ पे आपको हेयर कटिंग भी मिल जाएंगे, हेयर सैलून वाले भी मिल जाएंगे। हेयर इज मैक्स, मैक्स यहाँ पे मिल जाएगा सेकंड फ्लोर पे ही। रीच द थर्ड फ्लोर ऑफ आइनॉक्स, यहाँ पे लेट्स सी, आप देख सकते हैं आइनॉक्स को यहाँ पे, यानी ये हम लोग आ गए हैं अभी थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे इधर आप फिटनेस का भी देख सकते हैं। आइनॉक्स आपको बॉक्स ऑफिस यहाँ पे मिल जाएगा, यानी मूवी देखने के लिए आपको इस फ्लोर पे आना पड़ेगा। और इधर ग्लास हाउस देख सकते हैं, मल्टीपल चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तो गाइस यहाँ पे आप मूवी देखने के लिए, मूवी लवर्स के लिए ये जोन है आइनॉक्स, यहाँ पे आप मूवी देख सकते हैं। तो अब फाइनली गाइस चलेंगे यहाँ से इस लिफ्ट से फोर्थ फ्लोर पे। फोर्थ फ्लोर पे मुझे लगता है कि गेमिंग जोन है, वहाँ पे गेम वगैरह के लिए, गेम लवर के लिए मस्त जोन है, वहाँ पे आप गेमिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। फिलहाल ये आप देख सकते हैं अभी हम हैं थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी हम नीचे जा सकते हैं, और बगल में आपका एस्केलेटर सीढ़ी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गेम जोन है, यहाँ पे आप आके गेम खेल सकते हैं। देखिए बहुत से लोग गेम खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा गेम जोन है। यहाँ पे आप देखिए चॉकलेट्स वगैरह, जैकपॉट, इधर भी आप देख सकते हैं गेम शूटिंग चल रही है, यहाँ भी गेम हो रहा है, और इस साइड भी आप देखिए इतना मस्त बनाया हुआ है, और हॉकी स्टार्स। ये मस्त है। सामने में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाज चेयर 100 रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ में आप यहाँ पे मसाज करवा सकते हैं। पे ये फूड कोर्ट, फूड जोन, इधर आप जाके खा पी सकते हैं। इसके अंदर आपको पिज्जा हट, KFC, कॉफ़ी वर्ल्ड, ये तीनों यहाँ पे मिल जाएगा अंदर में जाने पे। फाइनली अभी आ गए हैं सबसे ऊपर, यानी फिफ्थ फ्लोर पे, और फिफ्थ फ्लोर पे ये आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, और यहाँ से आपको नहीं है, ऊपर में कुछ नहीं है, ये बंद फाइनली। और इस साइड आप देख सकते हैं द लोकल, देखने में तो ये काफ़ी डिसेंट लग रहा है। वॉक राइट अप, ये इस तरह का व्यू है यहाँ पे, आका लैंड भी देख सकते हैं आगे। एक लुक मैं सबसे ऊपर से नीचे का आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सबसे नीचे ये ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ से ये सब ऊपर आता हुआ, और यहाँ से अभी हम सबसे ऊपर आए हुए हैं। तो गाइस ओवरऑल मुझे ये मॉल बहुत ही मस्त लगा, मतलब स्टार मॉल में आप जरूर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस अब फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, साथ ही चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।